दोस्तों आज हम बात करेंगे मधुमक्खियों के बारे में, और आज मैं आपको बताऊंगा मधुमक्खियों से जुड़े हुए ऐसे कई रोचक तथ्य जो आज तक आपको बिल्कुल नहीं मालूम थे। तो नमस्कार दोस्तों, नॉक नॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे हम कोई नई वीडियोज अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आज हम आपको बताते हैं एक एक करके मधुमक्खियों की ऐसी खास बातें जो जानकर शायद आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों मधुमक्खियों को 454 ग्राम शहद बनाने के लिए लगभग 2 मिलियन फूलों से रस इकट्ठा करना पड़ता है। एक मधुमक्खी को दुनिया भर में लगभग 90,000 मील 3 बार उड़ना पड़ता है 454 ग्राम शहद बनाने के लिए। औसतन मधुमक्खी अपने जीवन काल में 1/12 चम्मच शहद बनाती है। एक मधुमक्खी एक संग्रह यात्रा के दौरान 50 से 100 फूलों का दौरा करती है। एक मधुमक्खी 6 मील तक उड़ सकती है और 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। मधुमक्खी का मस्तिष्क आकार में अंडाकार है और एक तिल के आकार के बराबर है, फिर भी इसमें चीज़ों को सीखने और याद रखने की उल्लेखनीय क्षमता है। उदाहरण के लिए ये अपने द्वारा तय की गई यात्रा की गणना करने में सक्षम है। मधुमक्खियां नृत्य करके एक दूसरे के साथ संवाद किया करते हैं। मधुमक्खियों के एक समूह में 20,000 से लेकर 60,000 मधुमक्खियां और एक रानी शामिल होती है। श्रमिक मधुमक्खियां मादा होती हैं, लगभग 6 सप्ताह तक जीवित रहती हैं और सभी काम करती हैं। रानी मधुमक्खी 5 साल तक जीवित रह सकती है और वो एकमात्र मधुमक्खी है जो अंडे देती है। गर्मी के महीनों में वो सबसे ज़्यादा व्यस्त रहती है, जब छत्ते को अपनी अधिकतम ताकत पर होना चाहिए, और प्रतिदिन 2500 अंडे डालती है। श्रमिक मधुमक्खियों की तुलना में बड़े नर मधुमक्खियां, जिन्हें ड्रोन भी कहा जाता है, उनके पास कोई डंक नहीं होता है और कोई काम भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ संभोग करते हैं। शहद को हमेशा से एक औषधि के रूप में माना जाता है। ये गले में खराश और पाचन संबंधी विकारों से लेकर त्वचा की समस्याओं और हैवी फीवर तक हर चीज़ में मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है। हनी में एंटीसेप्टिक गुण है और ऐतिहासिक रूप से घावों के लिए ड्रेसिंग और जलने और कटने पर प्राथमिक चिकित्सा उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। शहद में प्राकृतिक फल शर्करा, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज होते हैं जो शरीर द्वारा जल्दी पच जाते हैं। यही कारण है कि खिलाड़ी और एथलीट शहद का उपयोग उनकी प्राकृतिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया करते हैं। मधुमक्खियां 150 मिलियन वर्षों से एक ही तरीके से शहद का उत्पादन कर रही हैं। मधुमक्खी ही एकमात्र ऐसा कीट है जो मनुष्यों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का उत्पादन करती हैं। शहद अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक रहता है। मिस्र के एक खोजकर्ता ने एक मकबरे में 2000 साल पुराने जार में पाए गए शहद को बहुत स्वादिष्ट बताया। मधुमक्खियों की भिनभिनाहट उनके पंखों द्वारा की गई ध्वनि है, जो प्रति मिनट 11,400 बार मारती हैं। जब एक मधुमक्खी रस का एक अच्छा स्रोत पाती है तो वो वापस छत्ते में उड़ जाती है और अपने दोस्तों को नृत्य के द्वारा दिखाती है कि रस का स्रोत कहाँ पर है। इसे वैगल डांस कहते हैं। हनी की नमी को आकर्षित करने और बनाए रखने की क्षमता का मतलब है कि इसे लंबे समय से सौंदर्य उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है। ये क्लियोपेट्रा के दैनिक सौंदर्य अनुष्ठान का हिस्सा था। शहद अविश्वसनीय रूप से स्वस्थ है और इसमें एंजाइम, विटामिन, खनिज शामिल हैं। ये एकमात्र ऐसा भोजन है जिसमें पिनोसेम्ब्रिन होता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो मस्तिष्क की क्रिया में सुधार के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप इसको लाइक करिए और इस पर कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।